जबल नेशनल जाता है, यहाँ पे कंडीशन रहती है या प्लेयर चिपता है मैदान में या बाहर जाता है। Mr. Siraj. Mr. Saqib Ahmed, guest of honor. Delhi National Sports Academy. तालियां तालियां स्टार्ट। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम यूनुस ऋषि है, मैं लीन्यू स्पोर्ट्स एकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ कुछ 4-5 साल से। रिसेंटली हमारे पास से मतलब हमने रिसेंटली अडॉप्ट की ये गेम, कुछ 1 से 2 साल हो गए हमें प्रैक्टिस में। और अगर बात करें इसके फ़ायदेमंद के नज़रिए से तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, लाइक हमारे जो सीनियर्स हैं आजकल काफ़ी सारी बेहतरीन पोस्ट्स पे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गेम। और धीरे धीरे इसकी वजह से हमारे मतलब हमारा स्टैमिना लेवल बढ़ रहा है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात कि घर वालों को कोई रीज़न नहीं बताना पड़ता कि कहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा बच्चा जहाँ जा रहा है वो एक सही कदम है, उसके लिए फ़ायदेमंद है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हुई है तो ये बजवनी स्पोर्ट्स स्टेडियम हुई है त्राल में, ठीक है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हमारा है। काफ़ी सारे टीम्स ने यहाँ पे शिरकत की, काफ़ी सारे स्कूल्स, हायर सेकेंडरीज और कॉलेजेस ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था। मोर देन आई थिंक 20 प्लस टीम्स आई थी जिसमें 200 से ज़्यादा बच्चे आए थे, और सबके लिए एक बहुत बढ़िया नज़रिया रहा इसके लिए। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे उनमें भी जब भी गेम डेवलप होगी तो उनको भी इस गेम से प्यार होने लगेगा। सबसे पहले ये अच्छी बात यही है ना कि गेम से जब तक आप प्यार नहीं करोगे ना तब तक आप उस गेम को सीख नहीं पाओगे, उसमें आपको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। और जैसे आपको उस गेम में आपका उससे लगाव बढ़ने लगेगा तो तब आपको उसका फ़ायदा नज़र आएगा। तो आज जी हमारा जो आज का सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप हुई है, मैंने कहा कि बजनी स्पोर्ट्स स्टेडियम आज इसका फाइनल है। हमने एक लगातार 4 मैच जीतने के बाद हम फाइनल में आए हैं, और आज हमारा एक अपोजिट टीम के साथ कॉलेज के साथ हमारा फाइनल चल रहा है। और मैं अभी भी कह रहा था कि स्पोर्ट्स में जब तक बंदा इन्वॉल्व नहीं होगा ना वो उसकी मतलब बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाएगा। ये एक बेस्ट तरीका है आपको आपकी बुरी आदतों से छोड़ने का तरीका जी। एक नज़रिए से तो ऐसा ही होना चाहिए कि हर एक इंतज़ामिया और हर एक डिस्ट्रिक्ट को ऐसे काफ़ी सारे चैम्पियनशिप्स ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए ताकि हर एक बच्चा अच्छी आदतों की तरह मुबतला हो, ना कि वो गलत कामों की साइड से जाए। जितना अपने आप को इन गेम्स स्पोर्ट्स में आप खुद को इन्वॉल्व करेंगे उतना आपको फ़ायदा नज़र आएगा, और उतना ही आपके घर वाले आपको मतलब अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि आप आगे भी जा सकें और उनका नाम रोशन कर सकें।
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि धीरे धीरे हमारी जहाँ तक जब तक हम सिर्फ हमें पहले हमारे घर वाले जानते थे, अब धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट जानने लगे और आगे जाके इंशाल्लाह स्टेट और आगे नेशनल में इंटरनेशनल तक भी हमारे ख्वाब है जाने के, इंशाल्लाह जाएंगे भी, तब हमारा नाम इंशाल्लाह जब रोशन होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। तो मैं इंतजामिया का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम रईस अहमद है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी थैंकफुल टू द सॉफ्टवेयर एसोसिएशन जिन्होंने यहाँ पे ये गेम ऑर्गेनाइज की। तो ये जो जहाँ तक इस गेम का सवाल है, ये बहुत ही बढ़िया गेम है, इसमें बहुत सारा फ़ायदा है क्योंकि एक ओलंपिक गेम है, डिफरेंट जो बाकी गेम्स हैं उनसे बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छा फील आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत उससे के बाद यहाँ पे बहुत टाइम के बाद यहाँ पे इस गेम का ये है इनका हुआ। तो वी आर फीलिंग वेरी वेल। कुल ये जो गेम है इसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 20 टीम्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया एंड मोर देन 200 प्लेयर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इस गेम में आज। और जहाँ तक इस गेम का सवाल है, ये बहुत ही अच्छी गेम है और मैं यूथ को भी मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इस गेम में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी गेम है जिसमें आपका कैरियर भी बन सकता है, आप एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपका जो कैरियर है वो भी बन सकता है। बिल्कुल देखिए जी, बिल्कुल देखिए, जब एक ये जो यूथ होता है या जो भी यहाँ पे लोग घर में बैठेंगे किसी गेम में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो ज़रूरी मतलब दूसरे जो चीज़ें हैं उनमें लगे रहते हैं। तो अगर गेम्स में वो पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे कोई भी गेम हो, सॉफ्ट बॉल हो, क्रिकेट हो, बाकी जो गेम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट किया, एक तो उनको फिटनेस रहेगी वो तो है ही है और उनका कैरियर भी इस गेम में ये पर्टिकुलरली बन सकता है, क्योंकि ये ओलंपिक है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड गेम है, इसमें उनका कैरियर बन सकता है और ड्रग से वो खुद ही फिर दूर रहेंगे। और बिल्कुल देखिए, सॉफ्ट बॉल ऐसी गेम है, मैंने अभी पहले भी कहा कि हमको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए जो यहाँ पे सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन है, क्योंकि ये गेम उतनी फेमस नहीं है आज ये कश्मीर में, लेकिन उन्हें अब फिर से इंट्रोड्यूस की है, पहले खेली जाती थी यहाँ तो अब फिर से इंट्रोड्यूस हो रही है। ये एक ऐसी गेम है जिसमें आपका कैरियर बन सकता है, अब आप बहुत सारे गेम्स देख सकते हैं लेकिन जैसे क्रिकेट है। एक्चुअली मेरा नाम वसीम राजा खान है, मैं इस गेम का सेक्रेटरी हूँ जम्मू कश्मीर यूनिट का। ये जो स्पोर्ट है सॉफ्टबॉल, ये एक ओलंपिक स्पोर्ट है, ये पिछले कई सालों से यहाँ पे खेला जाता था डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, और इवन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स में इसमें हैं, इस स्पोर्ट में पुलवामा से, और दो तीन इंटरनेशनलिस्ट भी हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इस स्पोर्ट में। तो पिछले तीन साल से ये स्पोर्ट यहाँ पर हो रहा है और जिसमें कंटिन्यूसली हर एक रेगुलर कोचिंग कैंप यहाँ पर लगता है, ट्रेनिंग लगती है अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर फैरोज़ अहमद भट्ट और मिस्टर समीर अहमद डार। ये तीसरा हमारा डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप है जो कि स्टेडियम बजवनी स्पोर्ट्स स्टेडियम त्राल में खेला जा रहा है। तो उससे पहले कुछ कमी के कारण थोड़ी एसोसिएशन यहाँ पे डिफंक्ट थी, तो इसको रिवाइव किया पिछले दो तीन साल से और काफ़ी अच्छा जा रहा है। यहाँ के पुलवामा के बच्चे नेशनल में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जितने भी हमारे रेजिडेंशियल कोचिंग कैंप्स थ्रू स्पोर्ट्स काउंसिल लग रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये दो दिन का टूर्नामेंट था 22 और 23 का, करीबन बहुत सारे स्कूल्स कॉलेज और जितने भी इनके प्राइवेट क्लब्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट इसमें किया, सीनियर लेवल पे, जूनियर लेवल पे और सब जूनियर लेवल पे। तो कहने का यही है कि पुलवामा में ये नया स्पोर्ट नहीं है, आप अगर इसकी हिस्ट्री चेक करें इस स्पोर्ट की, इसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिला है इस गेम के थ्रू SRO 376 जो तब हुआ करता था, अब जिसका नाम SO12 है। तो इसमें फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है बच्चों का, अगर सब्जेक्ट है कि वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें, अपने कोच के अंडर काम करें और जितनी भी फैसिलिटीज़ आजकल स्पोर्ट्स हर एक स्पोर्ट्स को थ्रू J&K स्पोर्ट्स काउंसिल मिल रही है वो पहले नहीं मिला करती थी, आज हर एक चीज़ मयसर है स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से। बच्चे को आना है, बस अपनी मेहनत लगानी है और कुछ नहीं।